अखिलेश आंखें खोलिए। सिस्टर डॉक्टर कोई है जल्दी आओ यहाँ पर इमरजेंसी है। ओ गॉड ये कोलैप्स कैसे हो गए? डॉक्टर पता नहीं ये कल भी इसी तरह कोलैप्स हुए थे। डॉक्टर इनका एमआरआई कर लीजिए और सारा ब्लड प्रोफाइल भी देख लीजिए। ये सिम्टम्स के हिसाब से मेलेनजाइटिस भी हो सकता है। सिस्टर रेडियोलॉजी में फोन करके बोल दो बेड रेडी करने। अब वापस करोगी मेरी गुड़िया? तुम जैसों को बहुत मचा चखाया है हमने। तुम एक हाथ वाले अपाहिज मेरा क्या बिगाड़ोगे? चलो हटो। मेरे सामने होशियार बनने की कोशिश मत करो। तुम्हारी हकीकत मैं अच्छे से जानता हूं देवीना पांडे। तुम दूसरों को धोखा दे सकती हो पर मुझे नहीं। अब तुम्हारी हकीकत मैं तुम्हारे घर वालों के सामने लेकर आऊंगा। फाइन तुम मेरी असलियत सबके सामने क्या लाओगे? सबके सामने तो मैं तुम्हारी असलियत ले आऊंगी। सबको घर में पता तो चलना चाहिए कि तुम अपाहिज नहीं हो। तुम्हारे दोनों हाथ चलते हैं, बहुत अच्छे से चलते हैं। मैं तो इस घर में इसलिए आई थी क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरे पंपकिन को मेरे मरने के बाद इंश्योरेंस की रकम मिले। और हमारा ये घर, यस हमारा हमारा घर बिकने से बच जाए। पर तुम यहां क्यों आए हो? तुम्हारा इस घर में घुसने का क्या मकसद हो सकता है? और वो जिसे तुम अपनी वाइफ कहते हो, जो ईदा की तरह अपेरेंटली दिखती है, क्या वो ईरा की हम शक्ल है या खुद ईरा? अखिलेश का एमआरआई तो नॉर्मल है ना? एमआरआई तो नॉर्मल है मिसेज अमाया, लेकिन इनकी यूरिन में बेंजोमाइसिन के हाई लेवल्स डिटेक्ट हुए हैं और इन्हीं ड्रग्स की वजह से ये बार बार बेहोश हो रहे हैं। लेकिन इसके हाई लेवल्स तो बहुत डेंजरस हो सकते हैं। अखिलेश तो कोई मेडिसिन नहीं ले रहा। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि कोई इनके खाने पीने की चीजों में ऐसी दवाइयां मिलाकर पिला रहा हो। देखिए आपको इनका खास ख्याल रखना होगा क्योंकि ऐसे हैवी डोजेस इनके लिए जानलेवा हो सकते हैं। एंड प्लीज मेक श्योर कि किसी भी अनजान इंसान की दी हुई कोई भी चीज ये बिल्कुल भी खाए पिए नहीं। ओके जी डॉक्टर, थैंक यू डॉक्टर। वेलकम। कर सकता है अखिलेश के साथ ऐसा? मापू वो ठीक है ना? काका डॉक्टर अंकल ने हाँ थोड़ी देर में होश आ जाएगा ने। मुझे पता लगाना ही होगा कि आखिर अखिलेश को एक खतरनाक दवाइयां दे कौन रहा है। मैंने इसका चेकअप करा दिया है, अब आगे तुम और तुम्हारी फैमिली जाने। मैं अब इस फैमिली ड्रामे में और इन्वॉल्व नहीं होना चाहती। बाबू आप अभी भी जाने की बात कर रही हैं? बाबू और बड़ी माँ को कुछ हो गया आपको कौन फर्क नहीं पड़ेगा? मुझे क्यों फर्क पड़ेगा? तुम्हारी फैमिली है तुम्हें फर्क पड़ना चाहिए। बापू के बेजान शरीर को फर्श पे गिरते हुए तो देखा ना आपने,
आपको कोनो फर्क नहीं पड़ा? नहीं। बड़ी माँ की दिमागी हालत तो देखी है ना आपने? कल लोग कैसे मजाक उड़ाते हैं? उनसे पार्टी में बंदरों वाला नाच करवाया। इतना ही नहीं, सीढ़ियों से गिराने की कोशिश भी की गई। आपको कोनो फर्क नहीं पड़ा? नहीं। ठीक है, आप जाइए, अमाया होने का नाटक कीजिए। बड़ी माँ और पापों को बीमार रहने दीजिए। कल को हमका भी कुछ हो गया या हम मर गए तो भी आप नहीं आइएगा। मिश्री चुप, खबरदार अगर ऐसी बात की तो मैं नहीं खप्पर दूंगी। बापू हार गई मैं। तुम्हारी मापू लेकिन तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे कि मैं ही हीरा हूं, ठीक है? ये तुम्हारा और मेरा सीक्रेट है, ओके? मैं घर वालों को नहीं बता सकती कि मैं ही हीरा हूं। अगर आदि या तानिया को पता चला कि मैं ही हीरा हूं तो वो लोग मुझे टेररिस्ट होने के इल्जाम में जेल भिजवा देंगे। पर तुम तो जानती हो ना, मैं टेररिस्ट नहीं हो सकती। टेररिस्ट की साथी बिल्कुल हूबहू मेरी तरह दिखती थी। अखिलेश के हाथों जिसे गोली लगी थी वो भी वही थी। इतने दिन में तुम लोगों से दूर इसलिए थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम लोगों को एक टेररिस्ट का परिवार होने का अपमान सहना पड़े। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें तकलीफ हो या किसी को भी तकलीफ हो या तुमसे कोई बुरा बर्ताव करे। कि जब मुझे पता चला कि अखिलेश को कोई नौकरी नहीं दे रहा, तुम्हारे साथ आदि और तानिया इतना बुरा बर्ताव कर रहे हैं। यू ड्रामा क्वीन, पहली बात ये तुम्हारी माँ नहीं है। तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ
बस इसीलिए मैं ये मैं भेस बदल कर आ गई ताकि मैं हमारे घर के बिगड़ते हालात को ठीक कर सकूं और मैं ये सब करके रहूंगी मिश्री। इस वक्त हमारे घर पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। कोई है जो अखिलेश के खाने में कुछ दवाई मिला रहा है जिसके वजह से अखिलेश की हालत ये हो रही है। मिश्री, क्या तुम जानती हो कि घर पर ऐसा कौन हो सकता है जो अखिलेश के साथ ये कर रहा है? मीरा तो नहीं? एंजल आंटी, आजकल अखिलेश का खाना वही देख रही है। मुझे शक तो उसी पर हो रहा है, लेकिन इस तरह डायरेक्टली जाकर उसे पूछ भी तो नहीं सकती। श्री, मीरा से सच्चाई निकालने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। क्या तुम मेरी मदद करोगी? अब टीवी को ना पूछने वाली बात है, और सवाल अगर अभी बापू की सेहत का है तो हम आपकी मदद जरूर करेंगे। जानना चाहती हूँ मेरा मकसद क्या है? ऑफ कोर्स। मिश्री चाहिए मुझे। मिश्री। मिश्री। लेकिन वो तो छोटी सी बच्ची है, उससे क्या काम हो सकता है तुम्हें? क्यों चाहिए, क्या काम है ये बताना मैं जरूरी नहीं समझता। बस इतना समझ जाओ, मैं मिश्री को यहां से लेकर ही जाऊंगा। तो ले जाओ। What if मैं मिश्री को ले जाने में तुम्हारी मदद करूं, बदले में मुझे मेरी कंपनी और मेरा ये घर मेरे नाम पर चाहिए। मैं कोर्ट में प्रूफ कर दूंगी कि देवीना पांडे की मौत की खबर झूठी थी। मंजूर है, मिश्री को पाने के लिए कोई भी कीमत बड़ी नहीं है, बस मुझे मिश्री चाहिए किसी भी हालत में। इट्स अ डील देन। क्या कर रहे तो? चोरी कर रहा है? कहाँ लेके जा रहा दवाई की शीशियाँ? नहीं अंकिल, ये दवाई नहीं, हमारी माई के लिए जीवन दान हुआ।
ये दवाई का सीसी लिए बगैर जाए तो केवल हमरा लाश। वाह बेटा, फिल्मी डायलॉग। पुलिस के डंडे पड़ेंगे ना तो सारा फिल्मी कीड़ा झड़ जाएगा। अपनी माई का खातिर डंडा खाना तो किस्मत वाले का नसीब होते। हमारी माई बहुत बीमार वा अंकिल, खटिया से उठ ही ना सकत। भगवान के लिए ये दवाई का सीसी हमका ले ही जान दो अंकिल, उसके बाद हम खुद ही पुलिस के हवाले हो जाए। लेकिन हमार माई को कछु हो जाए तो हम जिंदगी भर खुद को माफ ना ही कर सकत। अपनी माई की जान बचाए के लिए आप भी छोटी मोटी चोरी कर लेते ना अंकिल। जा बेटा जा, ले जा। हम आपका ये एहसान जिंदगी भर ना ही भूल सकत। जा बेटा जा, ले जा ये दवाई जा। आज के कलयुग में ऐसा प्यारा बच्चा, ये तो साक्षात श्रवण कुमार का अवतार देखने को कहाँ मिलेगा। हम आपका ये एहसान जिंदगी भर ना ही भूल सकत। जा। वो कम ना पड़े ये खातिर। हमार खातिर तो आप भगवान का अवतार हो। जा बेटा जा, ले जा दवाइयाँ, ले जा। पता नहीं हमारे बंटी में ऐसे संस्कार कब आएंगे। मैं अपनी लक्ष्मी को फोन करके बोलता हूँ कि आज मैंने कितना अच्छा बच्चा देखा। मेरा फोन, मेरा बटुआ, अरे मेरा फोन, मेरा बटुआ कहाँ गया? हाँ विश्वास ही नहीं हो रहे, हमका मेरी मापू वापस मिल गई। अब देखना मापू, हम दोनों एक हो गए ना, अब हम साथ मिलकर बापू के ऊपर कोने चक्कर नहीं आने देंगे। वैसे मापू एक बात कहे, आप एक ही घर में बापू के साथ रहती है, आपका बहुत मन करता होगा ना बापू के साथ बैठ के बातें करने का, तो फिर आप अभी बातें काहे नहीं करती है? बापू तो बेचारे होश में ही नहीं है, आपके मन की बात भी हो जाएगी और बापू कुछ और सुन भी नहीं पाएंगे। नहीं मिश्री, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे आप आइए हमारे साथ। अरे मिश्री बैठिए, अब हमका ये बताइए कि जरूरत कैसे ना आई है। मन की बातें मन में नहीं रखनी चाहिए। चलिए अब आप बापू से बात कीजिए, आप चाहे तो अपने कान में उंगली डाल लेते। चुत पगली है। चलिए। मैं तो बस इनसे इतना कहना चाहती हूँ कि आंटी जी की ईरा वापस आ गई है। थैंक यू कान्हा जी, आज आपकी वजह से फिर अखिलेश, मिश्री और मैं एक हो गए। बस भगवान किसी तरह मोटी बा को भी ठीक कर दीजिए, फिर सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा ठीक हो जाएगा। Thank you.
का? हम बोला तो रहना गुरु कि दवाई का सीसी मारना तो हमरे बायाज का खेल हो। और दवाई को सीसी के साथ तगली हम का एक चपरासी, फिर हम ऐसा सिनेमा का डायलॉग चुपकाए कि चपरासी मोसना खून बन गया। और दू के बदले हमका 3 बोतल थमा दिया। वो बुढ़वा को तो पता भी नहीं चला कि हम उका बटुआ और फुनबा भी खिसका लिए हैं। ये मोबाइल वो हमारी मदर इंडिया के हाथ में गजबे लागी। अच्छा बेटा,